Good morning, friends. How are you? Fine? बच्चों आज आपका मैथ का टर्न है. आई विल टीच यू मैथ्स चैप्टर नंबर 3. फर्स्ट इन फोर आप अपनी मैथ की आपकी बुक है इसको आप ओपन करेंगे पेज नंबर 14. ठीक है, पेज नंबर 14. तो पेज नंबर 14 आप ओपन करेंगे और मेरे साथ साथ मैचिंग करेंगे. मैचिंग कैसे की जाती है, ठीक है, मैचिंग कैसे करते हैं. यहाँ पर कुछ हमने नंबर दिए हुए हैं बच्चों, ठीक है, नंबर नेम है यहाँ पर. यहाँ पर हमने नंबर दिए हुए हैं तो आपको यहाँ पे नंबर को रीड करके इसे नंबरों को अंकों को यानी कि न्यूमेरल्स में मैच करना है. कैसे करेंगे, पहले हम स्पेलिंग रीड आउट करेंगे. एक्स एस आई एक्स टी डबल ई एन 16, कितने होते हैं 16. अब हम यहाँ पर देखेंगे 16 हमारे नंबरों में कहाँ लिखा हुआ है. जब हमें यहाँ पे ये 16 हमारा ये मिल गया तो हम इसको यहाँ से एरो बना के हम इसको, ठीक है, मैच कर देंगे. फिर हमारा है टी एच आई आर टी डबल ई एन 13 13 वन 13. फिर हम इसको 13 से मैच कर देंगे. ई एल ई वी ई एन 11 11 11 11 हमारा ये रहा, हमने 11 को 11 से मैच कर दिया. एन आई एन ई टी डबल ई एन क्या बन गया बच्चों 19 1919 ये यहाँ रहा. हम 1919 को मैच कर देंगे. टी डब्ल्यू ई एल वी ई 12 अब हम 12 देखेंगे. 12 हमारा कहाँ पर है 1 2 12 सॉरी एस ई वी ई एन टी डबल ई एन 17 17 हमारा कहाँ राइट हुआ हुआ है 1717. तो ये हमारे हो गए बच्चों मैचिंग, ठीक है, ये आप अपनी बुक में करेंगे बहुत अच्छे से करेंगे और अपनी नोटबुक में भी करेंगे बच्चों मैचिंग, ठीक है, अपनी नोटबुक में भी करनी है आपको ये मैथ की, ठीक है, अपनी नोटबुक में करेंगे मैचिंग, बस मैचिंग ही करेंगे आप, ठीक है. ये आपकी मैचिंग कंप्लीट हो गई है बच्चों, ठीक है. अब हम नेक्स्ट करेंगे बस फिल इन द नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन एंड गोइंग टू 20, ठीक है. बच्चों दोबारा करेंगे, थोड़ा बड़ा हो गया, गैप हो गया है, दोबारा से लिखेंगे हम, ठीक है. थोड़े स्मॉल बना लेते हैं, बॉक्सेस हमारे बहुत बड़े बन गए थे पहले, ठीक है. आप अपनी बुक ओपन करेंगे तो आपको अपनी बुक में ये बॉक्सेस बने हुए दिखाई देंगे, ठीक है. आपको समझाने के लिए मुझे ब्लैक बोर्ड पर बनाना पड़ रहा है, ठीक है. ये रहे हमारे 10 बॉक्सेस, ठीक है, ओके. बच्चों ये हमारे 10 बॉक्सेस तैयार हो गए हैं. अब हम इनमें इसमें हमारे कुछ मैथ
नंबर्स हैं जो मिसिंग हैं, वो मिसिंग नंबर हमें लिखने हैं, यानी कि अपनी काउंटिंग हमें कंप्लीट करनी है। ठीक है, मिसिंग नंबर लिखने के बाद हमारी काउंटिंग कंप्लीट होगी। ठीक है, तो इसमें हमारे कुछ मार्क्स नंबर दिए हुए हैं, जो नंबर हमारे दिए हुए हैं उनसे आगे हमें नंबर फिल करने हैं इन बॉक्सेस में, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 दिया हुआ है, 6, 7, 8, 9 फिर 10 हमारा लिखा हुआ है, यानी कि जो हमारे मिसिंग लेटर हैं, यानी कि जो बॉक्सेस हमारे खाली हैं उनमें हमें ये नंबर लिख के अपनी काउंटिंग कंप्लीट करनी है। 10, फिर हमारा 12 लिखा हुआ है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20। ठीक है, तो ये हमारी बच्चों 1 to 20 कंप्लीट हो चुकी हैं। नेक्स्ट है हमारा, इसी को ही इरेज कर देते हैं, दोबारा से इसी पे कर लेते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग फिलिंग द नंबर्स स्टार्टिंग ट्वेंटी एंड गोइंग टू 1, यानी कि हमें अभी हमने नंबर 1 से अपनी काउंटिंग स्टार्ट की थी, 1 to 20 है ना, लेकिन अब हम 20 एंड गोइंग टू 1, यानी कि 20 से स्टार्ट करके हमें 1 को 1 तक काउंटिंग कंप्लीट करनी है, यानी कि हमें बैकवर्ड काउंटिंग लिखनी है। बैकवर्ड काउंटिंग को हम उल्टी गिनती भी बोलते हैं, है ना, तो बैकवर्ड काउंटिंग हम करेंगे। जैसे हमने ये होती है सिंपल काउंटिंग लिखी है, सिंपल में तो हमने 1 से शुरू की थी, लेकिन इसमें हम 1 से शुरू नहीं करेंगे, इसमें हम पीछे से, जैसे हमारा 10, 9 इस तरह से हमें काउंटिंग अपनी स्टार्ट करनी है और 20 तक ही कंप्लीट करनी है वो भी। ठीक है, अभी हम आपको कंप्लीट करा रहे हैं ये काउंटिंग, बैकवर्ड काउंटिंग कैसे करेंगे आप। ठीक है, ये आपके बॉक्सेस बनके रेडी हो गए हैं। अब हमें, हमने पहले यहाँ से 1 से स्टार्ट की थी ना यहाँ पे काउंटिंग, अब हमें 20 से करनी है, 20, 20। ठीक है, फिर हमारा लास्ट में दिया हुआ है हमें 11, 12, 13 and 14। ठीक है, फिर दिया हुआ है यहाँ पर 10। यहाँ भी बच्चों वही करना है जो हमारे मिसिंग लेटर हैं, मिसिंग लेटर कंप्लीट करके ही हमें अपनी काउंटिंग कंप्लीट करनी है। सपोज़ कि जैसे 20 हमारा लिखा हुआ है, 20 से पहले क्या आता है, 19 से पहले 18 और 18 से पहले 17 से पहले 16 15 14 13 and 12 11, फिर 10 के बाद पहले क्या आता है, 9 और 9 के पहले 8 से पहले 7 से पहले 6 से पहले 5 से पहले 4 है ना, 4 2 1। तो बच्चों ये हुई हमारी बैकवर्ड काउंटिंग कंप्लीट हुई है। ठीक है, मैं समझती हूँ बच्चों आपको कुछ पूछने की ज़रूरत तो होगी नहीं, अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेरे साथ साथ आप इसी तरह से अपनी ये बैकवर्ड काउंटिंग कंप्लीट कीजिए। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू।